हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सीएस ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है दिसंबर 21 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। सो आपको सिंपली ICSE के स्मैश पोर्टल में जाना है। वहाँ पर आपका यूज़र लॉगिन आईडी पासवर्ड जब आप एंटर कर देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा ऐसा इंटरफेस, वेलकम टू स्मैश पोर्टल। यहाँ पर आप मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल में आपको एनरोलमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे आप एनरोलमेंट में क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे ही टॉप पे होगा एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप एकदम बिलो जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं एनरोलमेंट रिक्वेस्ट टाइप। इसमें एनरोलमेंट रिक्वेस्ट का जो हेडिंग है इसको आपको फिल करना है। यहाँ पर आपके चार हेड्स हैं, बेसिक डिटेल, ट्रेनिंग डिटेल, प्रीव्यू एंड पेमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स में आपका सिलेबस शो हो रहा होगा और इसमें जो भी रेड डॉट है वो आपको मैंडेटरी फिल करने होते हैं। इसमें स्विच ओवर रूल्स उन पर एप्लीकेबल होते हैं जो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट करवाते हैं। कोर्स में आपका कोर्स शो हो रहा होगा, कंट्री में ऑब्वियसली वो पहले से सिलेक्टेड होगा, स्टेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपके जो सामने सेंटर अवेलेबल हो जाएंगे। मीडियम में आप इंग्लिश और हिंदी में से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के बाद आपका मॉड्यूल जो है शो हो रहा होगा। अब आपको पता होगा कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म आप तभी फिल कर पाते जब आपका जो आपकी मैंडेटरी ट्रेनिंग है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए वो आपने कंप्लीट कर रखी हो, जैसे कि ODOP। ODOP तो चाहे मॉड्यूल 1 का हो मॉड्यूल 2 की, वो तो सिर्फ एक ही रहती है, लेकिन जो प्री एग्ज़ाम टेस्ट है वो तो मॉड्यूल वाइज होता है। इसका मतलब आपने ODOP एक बार कंप्लीट कर ली तो आपको ऑब्वियसली फिर से कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कि मॉड्यूल 1 के लिए आपने पहले कर ली थी तो आपको मॉड्यूल 2 के लिए अलग से कोई ODOP करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ, प्री एग्ज़ाम टेस्ट जो होता है वो आपको ऑब्वियसली मॉड्यूल वाइज करना पड़ता है। मान लीजिए आप दोनों मॉड्यूल के लिए एलिजिबल थे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन आपने सिर्फ सिंगल मॉड्यूल ही का जो है फर्स्ट मॉड्यूल को मान लीजिए आपने प्री एग्ज़ाम टेस्ट कर रखा है, तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल का आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। और मान लीजिए आपने दोनों के कर रखे हैं लेकिन आप एक फिल करना चाहते हैं तो उस हिसाब से जो है ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी ट्रेनिंग डिटेल्स का हेड, जिसमें आपको आपकी एग्जामिनेशन फ़ी शो हो रही होगी और आपको आई हेयर बाई के जो डिक्लेरेशन है उसमें क्लिक कर देना है और आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे ही बाद आपके आ जाएगा प्रीव्यू हेड, जिसमें आपकी जो भी आपने डिटेल्स फिल कर रखी है, जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट कर रखा है वो आपका विजिबल होगा। अगर आपको लगता है इसमें आपको कुछ चेंजेस करने तो आप बैक में जो है क्लिक कर सकते हैं, और या तो आप फिर कंफर्म एप्लीकेशन में क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्म एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा चूज़ पेमेंट मोड और गेटवे, जिसमें आप जो है सेलेक्ट में अपना गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई कैश वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप मेक पेमेंट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस विजिबल होगा, और आप जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी फ़ी रिसिप्ट जो कि विजिबल हो जाएगी, और फ़ी रिसिप्ट इसका प्रूफ है कि आपने जो है एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया है। सो ये थी कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वीडियो कि आपको कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है दिसंबर 21 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। होप करता हूँ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे CSS फ्रेंड्स के साथ, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा, जिससे आप ऐसी हेल्पफुल वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स CS कोर्स के रिगार्डिंग में मिस ना कर पाए। और आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना ना भूलेगा, लिंक इन पिन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।